यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर माइकल द एलुमिनाटी के आपका लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जाइए यार, इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का एम है। आई नो कि आप सभी लोग कंप्लीट तो कराते नहीं और कभी जिंदगी में कराओगे भी नहीं, बट फिर भी यार बोलना फर्ज है तो करा दो। अब मैंने 5 सेकंड का बोलना भी बंद कर दिया क्योंकि लाइक्स तो आप कंप्लीट कराते नहीं हो, ठीक है। और फटाफट अगर आप मेरी इल्यूमिनाटी गैंग के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो और अगर आप सभी लोग यहां पर चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह को अपनी वीडियो के अंदर पढूं तो फटाफट जाकर कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट पार्ट और कमेंट कर दीजिए कौन कौन मुझे दिल से सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में यहां पर दोस्तों देख लिया था, मैं गाइज था लिबर्टी सिटी के अंदर और मैंने वहां पर अपना शोरूम वगैरह ओपन कर लिया है। लिबर्टी डॉन से काफी अच्छी दोस्तों मुलाकात वगैरह हुई और लिबर्टी डॉन ने दोस्तों मुझे यहां पर गिफ्ट के तौर पर ये वाली गाड़ी यहां पर, यानी कि आप सभी पैंथर कार देख पा रहे हो ना, इसको दोस्तों यहाँ पर मुझे गिफ्ट के तौर पर जो गाड़ी दी है, ठीक है ना। और सियान दोस्तों मैंने वहाँ से चोरी की थी, फिलहाल हेलीकॉप्टर जो है इसी के अंदर है, वो हमारे घर पर चला जाएगा। और मैंने यार उसको फ़ोन किया हुआ है, अंडरवाटर माफिया को और चाइनीज़ माफिया को, वो मुझे लेने आ रहे हैं एयरपोर्ट पर यार बहुत देर हो गई, मैं तो उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी तक कोई आए नहीं। शायद से वो मेरी हमर यहाँ पर लग रही है, या मेरी हमर है दोस्तों। ओ भाई साहब कैसे कुदा कुदा कर लेकर आ रहा है गाइज ये, तो गाइज मेरी ही हमर के अंदर ये दोनों के दोनों भाई आए हैं। क्या बात है। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब, दोनों के दोनों गाइज मेरे लिए यार यहाँ पर देखिए आप सभी लोग क्या लेकर आए हैं। ऑल राइट यार दोस्तों देखो मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो। हाँ मुझे पता है कि मैं माइकल द एलुमिनाटी हूँ, मैं इंडियन माफिया हूँ, बट यार तुम ऐसे मेरे लिए बूके वगैरह लेकर आओगे मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर दोनों दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है, तुम दोनों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो वैसे अभी काम बहुत सारे करने हैं यार, ये फालतू की बातें कम करो, ठीक है ना। जाओ यार बुके को गाड़ी के अंदर रख दो फटाफट, इसी में रख दे, तू तो मेरी पैंथर कार में रख दे, ठीक है दोस्तों। बुके वगैरह दोस्तों यहाँ पर जो है रख देते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट चलिए और सुनाओ दोस्तों, और अंडरवाटर माफिया कैसा है, गले नहीं मिलेगा अपने भाई के, गले तो लग यार गाइस, मतलब इतने दिनों के बाद यार मैं इनसे यहाँ पर जो दोस्तों मिल रहा हूँ और क्या बोलूँ यार, मतलब अपने दोस्त यार बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा सही। और अपना लॉस सैंटोस तो भाई लॉस सैंटोस ही है, मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं लॉस सैंटोस के बारे में, एकदम गजब है गजब। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, ये देखो क्या कर रहा है भाई साहब ये ना, तू यहाँ पर आने के बाद ना ये फालतू की हरकतें वगैरह मत किया कर। अच्छा हाँ ठीक है, लग जा चल ठीक है हाँ ठीक है समझ गया तेरी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो गाइज फिलहाल हमारे पास ये तीनों की तीनों कार्स वगैरह आ चुकी है और यहाँ पर भाई चाइनीज माफिया बहुत ज़्यादा दोस्तों खुश हो रहा है। अरे चाइनीज माफिया बस बहुत हो गया, इतना डांस वांस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल पैंथर कार हमारी हो चुकी है, तो ये चीज सुनने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा खुश है। तो अभी फिलहाल दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, हमें सबसे पहले इन गाड़ियों को यहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। और ना ये कुछ उखड़ा सा हो रहा है अब, इस बात क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है, बात क्या है ये मुझे भी बात कुछ बताना नहीं चाह रहा है, शायद से कुछ बात हो गई है, आई डोंट नो क्या हुआ है। चलो फिर ऐसा करते हैं, मेरी बात सुनो, प्लेन तो यहीं पर रहेगा ना, हम अलग अलग गाड़ियों के अंदर चलते हैं, हमर को तुम यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। एक ना मेरी बुगाटी वेरॉन थी, वो शायद से एयरपोर्ट की पार्किंग में ही दोस्तों खड़ी है, उसको मैं बाद में ले जाऊंगा, फिलहाल हम हमर में ही जा सकते हैं। और मैं पैंथर कार चलाऊंगा, कोई सियान चला लो और एक जना ये वाली गाड़ी चला लो, ठीक है फटाफट चलते हैं, चलो जल्दी आओ। चलिए दोस्तों मैं पैंथर कार चला रहा हूँ और चाइनीज माफिया तू ये सियान चला ले जल्दी से। ऑलराइट गाइस फाइनली हम यहाँ से दोस्तों जो है निकल चुके हैं और भाई साहब गाड़ियाँ देखे कैसी लग रही है। अरे मेरी बात सुनो, चाइनीज माफिया इस गाड़ी के अंदर बहुत बेहतरीन फीचर है, इस गाड़ी के अंदर ना एक एच वाला बटन लगा होगा, एच वाला बटन दबाओ, देखो गाड़ी के अंदर क्या लाइट जल रही है ना, हाँ मस्त लग रही है ना। चलो आ जाओ चलते हैं गाइस वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सियान यार तुम मेरे साथ रेस वगैरह करने की सोच रहे हो क्या, चलो आ जाओ निकलते हैं हम इधर से एयरपोर्ट से बाहर, चलो जल्दी मेरे पीछे पीछे रहो सबके सब। चले गाइज हम सभी यहाँ से जो भाई निकल चलते हैं, और भाई पैंथर कार क्या ही लग रही है दोस्तों, एक नंबर गाइज। पैंथर गाड़ी को लेने के बाद तो भाई दिल ही खुश हो गया एकदम मेरा यहाँ पर, आराम से चलिए
एक बार ये खुल जाए। अरे यार चलो चलो आराम से, बढ़िया चलिए गाइस। अब दोस्तों फिलहाल सबसे पहले तो अभी यार मैं अपने यहाँ पर जाने वाला हूँ स्टार्क मेंशन पर ही दोस्तों मैं जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जाकर फ्रेश वगैरह होते हैं, ठीक है। फ्रेश वगैरह होने के बाद दोस्तों फिर अभी ना बहुत सारे लोगों ने भी मुझे यहाँ पर बोला है कि आरिश भाई जो बिग माफिया का रियल बेस है ना, वो जो माउंट चिलियाड के नीचे एक टनल जाती है ना, उसके नीचे से उसका रास्ता जाता है, ठीक है ना। बट यार बिग माफिया ने ये वाली बातें ना हमें भी दोस्तों यहाँ पर बताई नहीं है, और बिग माफिया का भाई कहाँ पर है दोस्तों इस बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है, ठीक है ना। अभी वो तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकलते हैं दोस्तों जो हमारा स्टार्क मेंशन है उसके लिए। ऑलराइट गाइस फाइनली दोस्तों हम स्टार्क मेंशन में आ चुके हैं, आराम आराम से चलते हैं। भाई हमारी इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी दोस्तों यार यहाँ पर खड़ी है। चलिए भाई आराम आराम से अपनी गाड़ियों को लेकर चलते हैं। क्या बात है यार, मैं पैंथर कार को लेकर और जो दोस्तों मुझे यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान मिली है ना भाई, इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार दोस्तों। और हमारा हेलीकॉप्टर भी यार यहीं पर आने वाला होगा, ठीक है भाई, बहुत मजा आने वाला है। अरे आराम से आराम से आराम से, क्या बात है, इन गाड़ियों को लेकर ना चलो नीचे चलते हैं। वो लोग कहाँ पर रह गए, आ जाओ आ जाओ। और एक अपनी हमर भी दोस्तों आ रही है, नीचे बेसमेंट में चलेंगे दोस्तों इन गाड़ियों को लेकर हम। चलिए आराम से गाइस, फाइनली बेसमेंट में यार मैं आ चुका हूँ। ओके तो शायद से यार ये मेरी यहाँ पर विरोन को ले आया था यार। चलो भाई मुझे लगा लेकर नहीं आया था, बट गाइस ले आए। चलो कोई नहीं, गाड़ियों को इधर ही खड़ी कर दो बस। गाइस लिटरली मेरे पास बहुत सारी कार्स हो चुकी है। अरे चाइनीज माफिया एटलीस्ट गाड़ियों को ठोको तो मत ना, बस कार अपनी यहीं पर खड़ी कर दो इस वाली को। इसको मैं गाड़ी को कहीं कहीं दूसरी जगह लगाने की सोचूंगा। इस गाड़ी का एक बेहतरीन फीचर दिखाऊं तुम्हें, ये देखो अभी देखना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरे लॉस सैंटोस में ये वाला फीचर ना सिर्फ और सिर्फ डेविन वेस्टर्न की गाड़ी के अंदर था, जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर चोरी की थी। पर ये वाली गाड़ी देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर जो है लग रही है। चलिए भाई ये भी सही हो गया, अब यार चलते हैं जरा ऊपर, थोड़ा मैं फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ और अपने थोड़े कपड़े वगैरह भी मैं चेंज यहाँ पर दोस्तों कर लेता हूँ, ठीक है ना, आ जाइए। एंड फिलहाल ये रहा दोस्तों अंडरवाटर माफिया। अभी अंडरवाटर माफिया एक बात तो बता यार, थोड़ा इतना उदास सा क्यों लग रहा है, क्या हुआ? हाँ भाई साहब, और अपनी ये गाड़ी देखे भाई कैसे डांस कर रही है यहाँ पर। चलिए हम अंदर चलते हैं फिलहाल। भाई अंडरवाटर माफिया मुझे लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा नाराज सा है, या फिर पता नहीं भाई किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ये बताने नहीं चाह रहा है। ज़रा दोस्तों पहले ना इस बारे में इससे पता करते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा इससे भाई क्या हुआ क्या है, ठीक है ना। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। ऑलराइट गाइस फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं जो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, ठीक है, और मैंने आज अपना भाई सूट भी दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों चेंज वगैरह कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर हमारा गोल्ड वगैरह रखा है। एंड यहाँ पर भाई जो अंडर वाटर माफिया कुछ दोस्तों बातें इसने यहाँ पर बताई जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अलग सी हैं यार और डिसअपॉइंट करने वाली भी हैं। इसने सबसे पहले तो यार ये बोला कि जो यहाँ पर बिग माफिया है वो यहाँ पर ये बोल रहा था कि अब तुम लोगों का खेल ख़त्म है क्योंकि मेरा भाई ना अब आ चुका है, ठीक है, मैं समझ गया। एंड उसके बाद दोस्तों उसने यहाँ पर ये बोला कि मैं कुछ दिनों का यहाँ पर मेहमान हूँ, और कुछ बंदों ने दोस्तों बाइकर गैंग वाले बंदों ने, इवन डगन बॉस के बंदों ने भी 2 से 3 बार यहाँ पर इसका रास्ता रोका है भाई और इसके ऊपर अटैक किया है, ठीक है ना। तो गाइज जल्द से जल्द हमें बिग माफिया का जो दोस्तों सीक्रेट बेस है वहां पर दोस्तों जाना होगा, ठीक है। और जो उसका ये भी कहना है कि भाई मेरा बेटा यहां पर जो है बहुत जल्दी आने वाला है और तुम लोगों की गिरफ्त से मुझे वो यहां पर बहुत जल्दी छुड़ा लेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो यार दोस्तों उसकी जबान ना बहुत ज्यादा चलती जा रही है, लिटरली बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे ऊपर कहीं से कुछ अटैक वगैरह ना करवा दे, तो इसी वजह से यार हमें एक बड़ा एक्शन लेना ही होगा उसके खिलाफ, ठीक है ना। फिलहाल मेरी सुनो चाइनीज माफिया, मेरी बात सुनो, इस टाइम मजाक का वक्त नहीं है, हमें लिबर्टी सिटी गया था तो मैं पूरी की पूरी बात बताऊंगा, ठीक है ना। बट फिलहाल अभी जो यहाँ पर हमें काम करना है, मेरी बात सुनो, ये जो सोना है ना सारा का सारा हमें अपनी सीक्रेट बेस पर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, क्योंकि घर पर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम ना सोने के पास ही रुकना क्योंकि डगन बॉस वगैरह या फिर एल रूबियो किसी की भी नजर यहाँ पर हो सकती है, तो तुम्हें सिक्योरिटी के साथ यहीं पर रुकना होगा। अंडर वाटर माफिया और मैं जा रहे हैं यहाँ पर बिग माफिया के पास,
और उसका जो सीक्रेट लोकेशन है ना, जो कि यहाँ पर लोग बाग भी मुझे बताते हैं, इवन ये सब कुछ भी, तो उस बारे में मुझे जरा उससे पूछना है, ऐसा कौन सी टनल है और वहाँ पर ऐसा क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ गए ना तुम। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पर क्या कहते हैं, इसने एक सीक्रेट लोकेशन पर ही ना दोस्तों वो जो 800 मिलियन हमें वहाँ से मिले थे बिग माफिया की एक सीक्रेट लोकेशन, तो वो भी वहाँ पर रखवा दिए हैं, ठीक है। वो जगह भी दोस्तों कहाँ पर है, इन लोगों ने एक नया वो बनाया था और ट्रैवल ने भी थोड़ी सी मदद वगैरह करवाई थी, तो मेरे पीछे इन लोगों ने ये वाले काम भी कर दिए, तो भी देखना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, आ जा चाइनीज माफिया, तुम यहीं पर रुकना। इवन दोस्तों हम सबसे पहले यार वहाँ के लिए जो दोस्तों निकलते हैं, मैं अपनी पैंथर कार में जाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए पैंथर कार में ही जाना ज़्यादा पसंद है, और पैंथर गाड़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा सही लगती है, या फिर पैंथर कार तो यार मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चला ली है, क्यों ना आज मैं लैम्बोर्गिनी सियान के अंदर चलूँ, सियान भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। चलो बैठ जल्दी से अंडर वाटर माफिया गाड़ी में बैठ, गाड़ी देख रहा है कैसी लग रही है, आराम से आराम से भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट कार है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फास्ट गाड़ी है। चलिए निकलते हैं यार यहाँ से जल्दी से। ऑलराइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ दोस्तों, उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर गाइस हमने बिग माफिया को गाइस फिलहाल जो है रखा हुआ है, एंड वहां पर जाने के लिए मुझे ना नीचे वाले रास्ते से ही जाना होगा अपनी गाड़ी को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था, आरिश भाई आपको यहाँ पर ना सिक्योरिटी रख लेनी चाहिए, यार देखो सिक्योरिटी रखने के लिए इवन इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यार ये बंदा जो है ना मतलब इतना भी बड़ा वो नहीं है कि मतलब ये निकल कर ही भाग जाएगा। फिलहाल गाड़ी का पार्किंग मोड पे मैं इसको जो है खड़ी करूँगा, क्या ही गाड़ी लग रही है ना, चलाया फटाफट चलते हैं। आज इसकी दोस्तों पूरी की पूरी मैं हेकड़ी वगैरह निकालने की दोस्तों यहाँ पर जो है सोच रहा हूँ, और भाई मैं निकालूंगा भी, ठीक है ना, आप चाहे जो हो जाए देखा जाएगा भाई, अब जो भी होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यार, क्या बात है, आ जा दोस्तों। हमारे सीक्रेट लोकेशन का यहाँ पर रास्ता ज़्यादातर लोगों को तो खैर पता नहीं है, और आपको हमारी सीक्रेट केव दोस्तों कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताया करें। चलिए जल्दी से चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बिग माफिया के पास। ऑलराइट, एंड ये बंदा यार यहाँ पर हमने ना सिर्फ लोगों को डराने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दोस्तों हमने यहाँ पर मतलब बंदों को वो करने के लिए रखा हुआ है, रियल बंदा नहीं है वो, जस्ट ऐसी फेक है, ठीक है ना। हमने उसको थर्ड वाले उसमें रखा हुआ है, चलिए दोस्तों थर्ड वाले उसमें चलते हैं यार दोस्तों जल्दी से, और बिग माफिया से जाकर दोस्तों सब पता करते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों फाइनली। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली यार हमने यहाँ पर इससे जो है बातचीत दोस्तों फिलहाल कर ली है, ठीक है। और मैंने इससे इसके भाई के बारे में भी यहाँ पर पूछा है, मेरे सामने तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इसको यहाँ पर बोला है कि मेरी ऑडियंस ने देख मेरे को बता दिया है कि जो तेरा एक सीक्रेट बेस है यहाँ पर बेसिकली वो एक टनल के नीचे जो कि माउंट चिलियार्ड के नीचे से जाती है, ठीक है। बट ये दोस्तों बिल्कुल अनजान बन रहा है, कुछ भी यहाँ पर बताने की वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे मतलब मानने वाला नहीं है, ठीक है, और ये ऐसे बताने वाला भी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। देख मेरी बात सुन, अगर तू बता देगा तो देख तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और तू यहाँ पर इसको क्या बोल रहा था, इसको क्या बोला था तूने कि मतलब मेरा भाई आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, तुझे और माइकल को मौत के घाट उतारेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। एक दिन के लिए मैं क्या चला गया, तू अपनी बिल्कुल चड्डी में से बाहर आ गया, बिल्कुल चड्डी में से बाहर आ गया, तू अपनी चड्डी में से बाहर आ गया था कि तू अपनी। चल सबसे पहले तो खड़ा हो दोस्तों, ऐसे मानने वाले नहीं है, चल फटाफट जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। एक काम कर हमारे साथ चल, तुझे एक बहुत स्पेशल चीज दिखानी है, चला जा दोस्तों, इसको एक स्पेशल चीज दिखानी है, ऐसे तो मानेगा ही नहीं। चलिए इसको लेकर चलते हैं यार यहां से, आ जा भाग जा, चल भाग 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 के जाएगा भी वैसे कहां तू, भाग भाग के तू ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएगा, चल 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 चल। अरे पहले नंबर से निकलना है बे यार, गाइस लगता है इसका दिमाग विमाग दोस्तों यहाँ पर जो भाई खराब हो गया है। आ जा जा, वो देख रहा है तेरे बस यहाँ पे गोलियों वोलियों से उड़ा उड़ा देंगे, आराम से हमारे साथ साथ चलता रहेगा तो देख बहुत अच्छा होगा, आराम से आ जा, आराम से चल, आराम से आराम से। चलिए दोस्तों हम निकलते हैं यार यहाँ से इसको लेकर सबसे पहले, तो चलिए आ जाइए गाइस इसको लेकर चलते, इसको अपनी गोदी में बिठा कर लेकर जाना होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए यहाँ से भी, अब यहाँ से ना भाई इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, वरना तो भाई भाग सकता है। आ बाहर आ जल्दी, आ जल्दी, अरे क्या है, जल्दी आ बाहर आ,
श्यान पत्ती मत करना, आराम से आराम से आराम से आराम से चला। राइट गाइस, फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अंडर वाटर माफिया ने दोस्तों इसको यहाँ पर पकड़ लिया है। यार ये बंदा ना यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियारपंती कर रहा था और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। रुक जा गाड़ी, मैं चलाता हूँ, तू ना बाहर इंतजार कर, बाहर चल इसको लेकर। दोस्तों सियान में हम इसको लेकर जाएंगे, ठीक है ना, आराम से आराम से आराम से इसको ना ऐसे ही पकड़ कर गाड़ी में बैठ, गोदी में बिठा ले इसको। गाइस देख रहे हो हमें क्या क्या कारनामे करने पड़ते हैं। अभी भाई ये अपना ऐसे तो देखो मुंह खोलेगा नहीं, हमें पता है ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला है, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल प्लान दोस्तों यहाँ पर जो है करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो प्लान क्या है आपको भी दोस्तों पता चली जाएगा। चलिए आ जाइए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसको लॉस सैंटोस से बाहर लेकर जाने वाला हूँ। गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो क्या भाग रही है गाड़ी, ये चेक करें आप सभी लोग। लॉस सैंटोस से बाहर लेकर जा रहे हैं अभी तो दोस्तों हम इसको, क्योंकि जो हम यहाँ पर कारनामा करने वाले हैं ना वो लॉस सैंटोस में तो होना नामुमकिन है। चल तेरी ऐसी की तैसी, बाहर निकलो। लैम्बोर्गिनी सियान की पावर नहीं देखी क्या तुमने अभी तक? इन्होंने लगता है दोस्तों लैम्बोर्गिनी सियान की पावर देखी नहीं है। ओ भाई क्या गाड़ी चल रही है। चलो सबसे पहले इसको यहां से लेकर निकलते हैं, साइड हो जाना। चलिए गाइस, ऑलराइट गाइस, फिलहाल दोस्तों हम यहां पर एक गांव में आ चुके हैं। एंड दोस्तों यार आपको पता होगा इस वाले गांव में ना यार मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूं, ठीक है ना। चलिए एंड मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है और मैं इलाके में भी यहीं पर हूं, ठीक है ना। चलो निकाल इसको गाड़ी से बाहर, ट्रेन की पटरी पर लेकर चल। चलिए दोस्तों फाइनली, हाँ हाँ यहाँ पर ले आ। अब देख मेरी बात सुन, इधर आ देख बिग माफिया, मेरी बात सुन, अगर तू बता देगा तो देख बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। अब देख तू इतना ज्यादा यहाँ पर श्याण पत्ती कर रहा है, इतना ज्यादा ये करने की कोशिश कर रहा है, तो देख तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे सीधा मौत के घाट उतारने वाला हूँ, ठीक है ना, समझ गया ना। एक काम कर, इसको ना यहाँ पर बांध दे, इसको यहाँ पर बांध, मैं रस्सी लेकर आता हूँ गाड़ी में से, लिटा इसको जल्दी से यहाँ पर। गाइज मुझे गाड़ी के अंदर से ना सियान में मैंने रस्सी भी रख रखी है, इसको यहीं पर बांधना पड़ेगा और बस इसको यहाँ पर बांध कर दोस्तों फिर हम जो सीधा निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए और राइट दोस्तों, फिलहाल यार देखो बिग माफिया को मतलब ये जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं लगती है और ये ऊपर वाले के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और दोस्तों मैं भी इसको ऊपर वाले के पास पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ और बस ये भी ऊपर जाएगा बस, ठीक है ना। फाइनली दोस्तों ट्रेन का इंजन हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर लेटा हुआ है बिग माफिया। एंड भाई इसकी हालत तो देखो, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया ने मार मार के दोस्तों कैसी कर दी है। बस अभी जाएगा, ठीक है, अंडर वाटर माफिया चल, मैं अब जो है ट्रेन चलाने जा रहा हूँ और इसके पीसीस जो कट जाएंगे ना हम घर पर जाके सिम्बा को, टाइसन को, इन सबको खिला देंगे आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल मैं ट्रेन चलाने जा रहा हूँ, अभी भी कुछ बोलना है तो बता देना, नहीं बोलना है तो हाँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, डर क्यों रहा है भाई साहब? दोस्तों ये यहाँ पर जो है उठ चुका है, मेरे पैर मत पड़ बोल रहा है, तुम्हारे पैर पड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। चल मेरी बात सुन, मैं एक शर्त पे तुझे यहाँ पर माफ करूंगा, सबसे पहले मुझे अपने सीक्रेट बेस पर लेकर चल, जो तेरा मतलब टनल वाला सीक्रेट बेस है ना, मुझे वहीं पर जाना है, ठीक है, मुझे वहीं पर जाना है, मुझे वहां पर लेकर चल, ठीक है, चल जल्दी चल। तो दोस्तों फिलहाल अभी मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए भी बिल्कुल वहाँ पर जो है तैयार हो चुका है, ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकर चल तू, चल चल अंडर वाटर माफिया इसको पकड़ ले, पकड़ कर लेकर आ गाड़ी में, लेकर आ इसको पकड़ के। चलिए दोस्तों अंडर वाटर माफिया इसको जो लेकर आ रहा है, एंड हम सियान में दोस्तों चलते हैं इसकी सीक्रेट लोकेशन पर। फाइनल दोस्तों हम यहाँ पर इंजन वगैरह भी ले आए थे, चलिए चलते हैं भाई, क्या बात है, अपने सियान में दोस्तों लेकर जाने वाले हैं हम। फिलहाल अंडर वाटर माफिया भाई इसको जो पकड़ कर ले आया है, चल बैठ। फाइनली यार ये बंदा मौत से मतलब बहुत ज़्यादा डरता है। अभी ना दोस्तों यहाँ पर बिग माफिया ना बहुत ज़्यादा जीना चाहता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मतलब बिग माफिया को भी जीने की बहुत ज़्यादा चाहत है और बिग माफिया की अभी मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी भी नहीं हुई हैं, तो इसीलिए जीना वीना चाहता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल दोस्तों चलिए हम जल्दी से चलते हैं इसकी सीक्रेट लोकेशन पर, जो कि दोस्तों इसने यहाँ पर माउंट चिलियाड की टनल में बना रखी है।
ठीक है भाई, ऐसा कौन सी टनल है जो कि दोस्तों हमसे छुपी हुई रह गई और उसने बना रखी है? ठीक है, वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। आराम से आराम से आराम से चल, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। चलिए दोस्तों भाई, मतलब ये गांव वाले इलाके की तरफ भी भाई इस बंदे ने कुछ छोड़ा नहीं, हर जगह अपने बिजनेस फैला रखे हैं। चलो फटाफट हम जल्दी से दोस्तों निकलते हैं। राइट गाइस, तो अभी ना यार हम पहुंच गए यहाँ पर और आराम से इधर से चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई। बिग माफिया मतलब इतना ज्यादा चौड़ा होता है और इसने ऐसी ऐसी जगहों पर अपने भाई ये बिजनेस फैला रखे हैं, तो हम इसे छोड़ थोड़ी ना देंगे। चलिए यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ अभी गाड़ी को ऊपर। और गाइज मुझे ऐसा लगता है ना, इसके सीक्रेट बेस पर ही बहुत सारी चीज़ें हमें जो है मिलने वाली हैं, जहाँ तक भाई मेरा आइडिया है बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आराम से, मैं गाड़ी को इतनी तेज़ भी नहीं चलाना चाहता कि भाई वहाँ जाने से पहले ही कांड हो जाए कुछ। आराम से ऑलराइट। यहीं कहीं पर दोस्तों कोई ना कोई रास्ता है जो कि इसकी सीक्रेट बेस पर जाता है मेरे हिसाब से। मुझे तो देख यही लग रहा है, मुझे तो गाइस यही लग रहा है। इसको उतार, गाड़ी से बाहर उतार, अब इससे पूछ। दोस्तों फाइनली हम इस टनल के अंदर तो यहाँ पर आ चुके हैं, बट यार आसपास मेरे को कुछ भी यहाँ पर दोस्तों जो है नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या इसके पीछे कोई दरवाज़ा है? मेरे को तो ये भी मतलब पैक लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल। एंड ये दरवाज़ा भी दोस्तों यहाँ पर लॉक है, एक सिक्योरिटी पासकोड डालना है। एक तोड़ दिया मैंने, यहाँ से कुछ भी जाने का रास्ता नहीं है। बता किधर से है दोस्तों? यार यहीं कहीं को है दोस्तों रास्ता, बट ढूंढना पड़ेगा एटलीस्ट एक बारी हमें। रुक जाइए जरा देखते हैं। राइट गाइस, तो यार फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पर इस टनल में आ चुका हूँ। एंड गाइस सबसे पहले मैं गाड़ी के अंदर से यार दोस्तों यहाँ पर जो है उतरूंगा। एंड यहाँ से गाइस अंदर आने का जो है रास्ता है, ठीक है ना? क्या दोस्तों यही बिग माफिया की दोस्तों टनल है? एक बारी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता है। एंड दोस्तों यार अंदर ना बिग माफिया के दोस्तों बंदे हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपनी दोस्तों गन निकाल ली है। एंड दोस्तों बिग माफिया को पकड़ करना, जो यहाँ पर अंडर वाटर माफिया दोस्तों बाहर ही खड़ा है। मैंने कहा तू बाहर ही खड़ा रहना और यहाँ पर बाहर इधर उधर देखता रहना ताकि कोई आ ना जाए, ठीक है ना? और अंदर जाकर वो अपने बंदों से कुछ होशियारी ना करे दोस्तों, क्योंकि बिग माफिया को यहाँ के सारे रस्तों का पता हुआ, इसीलिए हम उसको अंदर नहीं लेकर गए। कभी वो हमारे हाथों से छुटकर भाग जाए, इसीलिए उसको ना वो बाहर पकड़ के खड़ा है और मैं दोस्तों जो है अंदर जा रहा हूं अकेला। खैर तो गाइस कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहां पर कोई ज्यादा बंदे भी नहीं होने वाले हैं। चलिए चलते हैं एक बारी भाई, मतलब कितनी बड़ी टनल है यार, कसम से यार। गाइस बिग माफिया की टनल यार बहुत ज्यादा बड़ी है यार, मतलब क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप सभी लोग। मेरे हिसाब से ना दोस्तों ये ना अभी टनल बनवा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह हो रखा है। मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से कहीं निकलने का रास्ता होगा बीच में, आई डोंट नो। अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दूँ तब भी मेरे को दोस्तों यहाँ का जो है दिखाई तो दे ही रहा है, क्यों ना मैं लाइट ऑफ करके चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सामने वाले बंदे को मैं दिख जाऊँ। अगर इसके बंदे बंदे यहाँ पर होंगे भी, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए आराम से, बढ़िया यार ये मतलब कितनी लंबी सुरंग है दोस्तों। आराम से आराम से आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से दोस्तों। फाइनली यार मैं आ गया इधर। ओ भाई गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं है। ओ माय गॉड, हट तुम्हारा। अबे यार इसके तो सिक्योरिटी गार्ड है, पर मेरी मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। भले तुम अगर मेरी गाड़ी पर मार भी दोगे ना, कुछ नहीं होगा मेरी गाड़ी पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार दोस्तों। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बंदे बहुत सारे हैं,
घुस जाओ। मुझे ये निकालनी पड़ेगी। निकलो यहाँ से, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। यार दोस्तों मैं इनको ना पट से हेडशॉट दे सकता हूँ, क्योंकि ये वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, ये भाई ज़्यादा मतलब वो पावरफुल नहीं है। और राइट, मुझे पता था यार यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पक्का होंगे ही होंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बट माइकल द इल्यूमिनाटी हूँ मैं, डरता नहीं हूँ तुमसे, समझ गए। यार गाइस मुझे ना इनको मारने के लिए कुछ ना कुछ अलग ही स्कीम लगानी पड़ेगी, और स्कीम दोस्तों यही है। निकलो यहाँ से तुम्हारी ऐसी की तैसी। गाइस ये ग्रीन रेंजर वाले बंदे हैं यार, मैंने सोचा था कि भाई साहब। निकलो यहाँ से तुम, और सिक्योरिटी के नाम पर धब्बा हो तुम, तुम्हारी जैसी सिक्योरिटी कहीं ना हो। निकलो यहाँ से भाई साहब, कितने सारे बंदे हैं यार दोस्तों, देख रहे हो। हट तेरी ऐसी की तैसी। गाइस मतलब कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं भाई। चल निकल यहाँ से, चल 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 बेटा, यो मुन्ना कर देंगे ताता तुन्ना। चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। चलो निकलो, निकल यहाँ से, हट तेरी ऐसी की तैसी। निकल निकल यहाँ से, निकल तू भी यहाँ से, चल तेरी ऐसी की तैसी। और राइट गाइस, मेरे हिसाब से, ओ भाई सामने देख रहे हो तुम क्या है, सामने तो तुम्हें पता ही चल गया होगा दोस्तों क्या है। बट यार आप सभी लोगों ने यार यहाँ पर देखा, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों यहाँ पर खड़े थे। पर भाई साहब ये वाली जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, इस वाली जो नॉर्मल वाली गन है ना, इससे मारे जा सकते हैं। बस यही इस इनके अंदर थोड़ा सा मतलब ये वाला फॉल्ट है, बट और कुछ नहीं। हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो सियान दोस्तों वहाँ पर खड़ी है, खैर बुलेट प्रूफ गाड़ी ने हमें बचा लिया। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं यार, और यहाँ पर क्या क्या है भाई। गाइस क्या यही है रियल में बिग माफिया का बेस? अगर यही है तो प्लीज एक बारी कमेंट करके बताइए भाई साहब। मतलब कितनी बड़ी जगह है यार दोस्तों, देख रहे हो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर वेपन्स वगैरह का बिजनेस भी होता है, कितनी सारी गन्स वगैरह रखी हैं दोस्तों। ऑलराइट गाइस यहाँ पर बहुत सारी गन्स हैं, जिनको भाई हमारे काम आने वाली है। मैं ट्रेवर को दूंगा भाई ये वाली बंदूकें। एंड गाइस ये चेक करिए आप सभी लोग, यहाँ पर भी दोस्तों गन्स ही गन्स हैं, इन पेटियों के अंदर भी जो इतनी बड़ी बड़ी रखी है ना दोस्तों, यहाँ पर भी गन्स ही गन्स होने वाली हैं। चलिए भाई सही हो गया, ऑलराइट बढ़िया। एंड इधर क्या है, रुक जाओ मैं ना ज़रा दोस्तों अपने यहाँ पर टॉर्च निकाल लेता हूँ। इधर कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगहें कुछ ऐसी है जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये क्या है गाइस, ये किसी चीज़ का कंट्रोल है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोलिंग वगैरह है। कोई इन्होंने सीक्रेट बॉम्ब वगैरह ना बनाने की दोस्तों यहाँ पर सोच लियो, कभी कोई सीक्रेट बॉम्ब वगैरह होगा उसकी यहाँ पर होगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अरे निकल यहाँ से आराम से। एंड इधर क्या है, यहाँ पर भी गाइस कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। बट गाइस यहाँ पर गन्स वगैरह बहुत सारी हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा स्टॉक यार्ड लगा पड़ा है यार बंदूकों का, कितनी सारी गोलियां हैं, कितना सब कुछ है यार दोस्तों। मैंने सोचा नहीं था यार मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ मिलेगा बिग माफिया के इस बेस पर। एंड ये लॉक है गाइस, बंदूकें ही बंदूकें हैं। एंड यहाँ पर ये देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए भाई कितना सारा पैसा है यार। बट एक मैं आपको बात बताऊँ, इसका मतलब यहाँ पर बिग माफिया का इतना बड़ा दोस्तों यह वाला बेस है, ठीक है ना। एंड दोस्तों इस बेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही पैसा और इतनी सी ही गन्स वगैरह, ये दोस्तों मुझे ना ये चीज़ कुछ यहाँ पर हजम नहीं हुई है। इधर भी है, ओके यहाँ पर भी है। एंड गाइस एक रास्ता जाता है अंदर को, इधर जाकर देखना पड़ेगा क्या है। ऑलराइट
इधर भी कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ थोड़े मोटे सिक्योरिटी गार्ड से जिनको यार मैंने यहाँ पर मार वार दिया। ऑलराइट, ये जस्ट एक लॉक है ये कमरा, इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है भाई इसने जेल वेल बनाई है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ी टनल है यार, यहाँ से रास्ता बंद है इसका, इधर से भी 200 कुछ नहीं है, यहाँ से रास्ता बंद है। यह एक बहुत बड़ी टनल है यार, और इस टनल के बारे में यार दोस्तों मुझे इतना यहाँ पर फिलहाल अभी पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर ऐसा क्या क्या है, इधर क्या है? ओ माय गॉड गाइस, मतलब कितनी सारी बंदूकें वगैरह हैं यार। गाइस इसमें तो भाई ट्रेवर की चांदी हो जाएगी, मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों। देख रहे हो कितना सब कुछ गाइस हमें यहाँ पर मिल गया भाई। सही है यार, सही है सही है। ये देखो इधर क्या है, ठीक है। कंटेनर के अंदर से रास्ता है, ओके। यहां पर कितनी सारी बंदूकें हैं दोस्तों, और भी बहुत सारा सामान है भाई साहब। वाकई में बिग माफिया भाई, मतलब बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर कुछ कर रहा था, कसम से मैं बता रहा हूँ। एक ही रास्ता है, ओ माय गॉड। अबे मैं कहाँ गिर गया? ठीक है चलो यहाँ से तो मैं निकल जाऊँगा। यहाँ से निकलने की जगह है, बट दोस्तों ये है क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई इसने क्या क्या कर रखा है। तो यार फाइनली दोस्तों यार मैं यहाँ से जो दोस्तों निकल चुका हूँ। आई डोंट नो यार ये क्या चीज़ है, एंड बिग माफिया का क्या प्लान है इस बारे में, आई डोंट नो। चलिए यार मैं वैसे ये रखता हूँ अपने हाथों में गन, ओके। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत कुछ है यार, यार इवन जैसे बिग माफिया जैसा दोस्तों जो बंदा है ना भाई, ये चेक करें आप सभी लोग, मतलब इतना कुछ यार कसम से बता रहा हूँ भाई, ये बंदा बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस बंदा है दोस्तों। और इसके जैसे इसके पास पता नहीं कितने सीक्रेट बेस होंगे दोस्तों। यहाँ पर बंदूक की आवाज भी आएगी, देखो यार ये पाइपलाइन किसकी है, किसी चीज की नहीं, ऐसे ही है। नाइस हो गया, चलो। ओ भाई साहब, अबे यार, अबे कितने सारे बंदे हैं दोस्तों, मेरे को कवर लेना पड़ेगा यार। निकलो यहां से, तुम्हारी है। ओ भाई लेजर सिक्योरिटी वाले बंदे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ तेरी भाई, अबे यार शिट 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 शिट, मेरे को सबसे पहले दोस्तों एक जगह पे कवर लेना पड़ेगा, मेरे को ना गन लेनी पड़ेगी, इन्हीं की लेजर गन से मारना पड़ेगा। पहले एक बंदे को मारता हूँ, निकल यहाँ से, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। लेजर गन दोस्तों आ गई, एंड फाइनली कहाँ है लेजर गन, कहाँ ये आ चुके दोस्तों लेजर गन। मैं इन्हीं की लेजर गन से मारूंगा ना इनको। किधर है, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। बिग माफिया के कितने बंदे हैं दोस्तों, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या सोचते हो, अबे भाई ये देख रहा भाई, मम्मा की शादी में आया हुआ है भाई, पीछे बैठकर कहां मार रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। अबे यार बे बहुत बंदे हैं भाई, फुल आर्मी आ रखी है भाई साहब, भाई साहब कोई नहीं रोक, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चुट 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 चुट। भाई गाइस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा। निकलो यहां से, तू भी निकल,
ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बहुत बंदे आ चुके हैं यार। निकलो 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 निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। गाइस बहुत बंदे हैं यार। ओ भाई निकल निकल निकल, अबे पीछे से भी घूम घूम कर आ रहे हैं यार ये बंदे। शिट अबे पिस्टल भी है क्या इनके पास? निकल तेरी ऐसी की तैसी। इन्हीं की लेजर गन से भाई इन्हीं को मारूंगा। ओ भाई बिग माफिया की कितनी सारी आर्मी है यार। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकलो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, है, है। ऑलराइट अभी भी आवाज आ रही है दोस्तों, एक आधा बंदा और है। गया और भी है क्या? ओ शिट भाई कितने बंदे थे यार। गाइस मतलब देखा आपने भाई साहब कितनी तगड़ी आर्मी बना रखी है यार दोस्तों बिग माफिया ने, कसम से भाई साहब। वो तो अच्छा हुआ भाई मैंने लेजर गन इनसे छीन ली थी, अगर काश मैं लेजर गन ना छीन पाता ना दोस्तों तो यार मैं इनकी भाई ऐसी तैसी हो गई होती आज तो मेरी। मैं सारी लेजर गन रख लेता हूँ भाई अपने पास। और भी कोई है क्या गाइस? और कोई नहीं है यार, लिटरली और कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, जहाँ तक दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है। ये तेल के डिब्बे हैं, बहुत सारा सामान है, इवन दोस्तों गन टाइप का, एंड ये अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। चलिए गाइस फिलहाल यहाँ पर लास्ट है शायद से। एंड गाइस इसके बारे में और मतलब, ओ भाई एक बंदा आ गया, मैं तो डर गया, मैंने उसको देख लिया, दूर से ही देख लिया। मुझे अपने हाथ में ना दोस्तों ये वाली गन रखनी पड़ेगी, इसी से ना इन बंदों को जल्दी से मारा जा सकता है। दो है बंदे हैं, दो बंदे और हैं, दो हैं तीन हैं। देख रहे हो फिर भाई साहब बिग माफिया के मतलब बंदे कितने सारे हैं यार यहाँ पर। आप सभी लोग यार ये तो देखो, चारों तरफ भाई बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। बट अगर यहाँ पर आवाज़ खैर दोस्तों मेरे को आ सकती थी अगर कोई अब होता आसपास। चलो खैर यार जितने भी फिलहाल बिग माफिया के बंदे थे ना यार, मैंने सबको यहाँ पर धूल वूल चिटा दी है, जितनी भी सिक्योरिटी थी। और मुझे अपनी इल्यूमिनाटी 3.0 की दोस्तों ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रीन रेंजर की जो सिक्योरिटी बिग माफिया ने अपने पास रख रखी है ना, ये इतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी नहीं है। एक बंदा दिख गया मेरे को, एक बंदा यहीं पर है। गाइज यहाँ पर और भी भरे पड़े हैं, ये देखो कितने सारे बंदे यार दोस्तों मैंने यहाँ पर मारे हैं, ठीक है ना। चलो यार अब निकलता हूँ यहाँ से, फाइनली मेरा अब कब्जा हो चुका है यार इस जगह पर, अब मेरा कब्जा है। क्योंकि दोस्तों अब आप सभी लोगों ने यार देख लिया यहाँ पर जितने भी इसके सिक्योरिटी गार्ड थे ना, लिटरली मैंने सबके सबको ख़त्म कर दिया, सबके सबको ख़त्म कर दिया मैंने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
बढ़िया, पैसा भाई अपने पास है। बट एक चीज समझ में नहीं आ रही है, बिग माफिया ने इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर लगा रखे और पैसा सिर्फ इतना सा, और बंदूकें भी दोस्तों जरा सी थी, तो ये चीज ना मेरे थोड़ी सी समझ नहीं आई है। थोड़ा सा बिग माफिया से जाकर ही भाई पूछना पड़ेगा, अब सच बता क्या है। यार दोस्तों उसने लोकेशन के बारे में तो सच ही बताया, लोकेशन तो भाई यही है, बिग माफिया का सीक्रेट बेस ना यही है दोस्तों। और ये जो पैसा है ना, अभी मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, क्योंकि अब हमें लोकेशन को पता चल ही गया है। अब मैं थोड़ी देर में आकर ना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ही सारा का सारा पैसा यहाँ से जो है दोस्तों ले जाऊंगा। चलिए एंड कैंड दोस्तों, ये वाला सिक्योरिटी बेस जो बेसिकली यहाँ पर सीक्रेट बेस है ना, ये भाई अब अपना ही हो चुका है, अभी सीक्रेट बेस भाई अपना ही है। चलिए निकलते हैं यार यहाँ से। बढ़िया, मैंने सबके सब इन बंदों की ना यार ऐसी तैसी कर डाली। ओ भाई, चलिए इवन भाई बहुत लंबी टनल है यार ये। चलिए दोस्तों अब फटाफट जल्दी से यार मैं इस टनल से जो है बाहर निकलता हूँ, ठीक है ना, और उस बिग माफिया के बच्चे से पूछते हैं और इस जगह पर तूने क्या क्या छुपा रखा है, और फटाफट जल्दी से हमको बता दे। राइट गाइस, तो यार मैं टनल से तो बाहर आ चुका हूँ, बट यार मेरे को ना यहाँ पर ना ही अंडर वाटर माफिया दिख रहा है, ना ही बिग माफिया दिख रहा है। लगता है वो शायद टनल से बाहर खड़े हैं दोनों के दोनों, इसको कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा वो। ऑलराइट, यहां पर ना तो बंदा ना ही बंदे की जात, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी, शायद से कभी अंदर ही हूं मेरे हिसाब से तो अंदर ही होंगे। हैं? ड्रामे क्यों दिखा रहा है, क्या हुआ? ओ भाई साहब गाइस, अंडरवाटर माफिया को कितने बुरे तरीके से यार मारा गया है। ओ भाई साहब, आप इसकी हालत देखिए यार, पीछे से भी और आगे से भी कितने खतरनाक तरीके से यार इसको मारा गया है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ गाइस, रुक जाओ, सबसे पहले मैं ना मुझे इससे बात करनी पड़ेगी कि हुआ क्या है। ऑलराइट चल, तू टेंशन मत ले, क्या क्या कर सकता हूँ यार दोस्तों, जब भाई किस्मत ही खराब होना है तो यार चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं दोस्तों, चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। गाइस यार इसको बहुत ही ज्यादा मारा है, और गाइस यहाँ पर ही ये बोल रहा है कि एक तो डगन बॉस आया था अपनी पूरी आर्मी के साथ, ठीक है ना, और मतलब एक टोपी वाला बंदा था, उसने लंबा सा कोट पहना हुआ था, और मतलब जब उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे मारा ना, डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे मारा, तो वो मेरे भाई कहकर ना उसके गले लग गया बिग माफिया उस टोपी वाले बुड्ढे के। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है यार वो बिग माफिया का भाई था, जो कि दोस्तों उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया था। और दोस्तों आपको पता होगा कल से वो लिबर्टी सिटी में भी नहीं था दोस्तों, बस वो उस दिन हमें यहाँ पर लेने आया था, और मेरे हिसाब से उनको ना हमारे प्लान के बारे में पता था कि हम यहीं पर आएंगे। और गाइस जैसे ही मैं अंदर गया ना भाई, अंदर तो इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे, और बाहर भाई उसकी लॉयन सिक्योरिटी ने भाई इसका क्या हालत की है भाई, इसकी टाइगर सिक्योरिटी ने भाई साहब। चल तू टेंशन मत ले, आ जा तू गाड़ी के अंदर बैठ। गाइस इसे चला भी नहीं जा रहा है बेचारे से, गाड़ी में बैठ तू, चल सबसे पहले मैं जाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आराम से यार दोस्तों, मतलब गाइस क्या ही करूँ यार मैं इसका, कितने बुरे तरीके से दोस्तों मारा है, बहुत बुरे तरीके से मारा है दोस्तों, लिटरली बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। चलो यार इसको सबसे पहले ना हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में। यार गाइस मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था ना, तो वहां पर इतना पैसा मिला यार दोस्तों, प्लस यार मेरे दोस्त की जान मुसीबत में आ गई यार, बेफालतू में ऐसा हो गया यार अपने साथ दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पक्का दोस्तों डगन बॉस ही आया था, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई पूरा का पूरा रोड भी जाम है।
चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अभी तो सबसे पहले मैं इसको ना सैंडी शॉर्ट्स वाला जो हॉस्पिटल है ना वहां पर लेकर चलता हूँ भाई फुल स्पीड में। अपनी गाड़ी 300-400 की स्पीड पर दोस्तों भाग रही है अपनी कार, इसको जल्दी से दोस्तों लेकर चलते हैं वहीं पर और यार इसका इलाज वगैरह करवाते हैं सबसे पहले हम बिग माफिया का, सॉरी बिग माफिया के दोस्तों अंडर वाटर माफिया का, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ यार। यार मैंने इनकी फालतू में चाल में फंस गया दोस्तों, यार इनकी चाल थी यार मुझे फंसाने के लिए। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी तो ठीक हो जाएगा, मैं उसकी जाकर टेंशन ना ले मैं करूंगा। तो डॉक्टर साहब यार तुम इसका इलाज करना स्टार्ट करो फिलहाल दोस्तों। यार यहाँ पर अंडर वाटर माफिया को जो है अंदर बॉडी की बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई है, क्योंकि दोस्तों इसको ना यहाँ पर मतलब जो वो होता है ना जिनके अंदर कीले लगी हुई होती हैं उस वाले बैट से मारा यार बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से भाई। बाकी डॉक्टर कह रहा है भाई इसके हाथ भी दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। चलिए यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, खैर फाइनली अच्छे टाइम पर हम डॉक्टर के पास आ गए, तो गाइज ये जो है जल्दी से दोस्तों यहाँ पर ठीक भी हो ही जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बताने भूल गया गाइज, यहाँ पर डगन बॉस इसको ये बोल कर गया है अगर माइकल अपनी फैमिली को भी जिंदा चाहता है ना, और अगर मतलब ये लड़ाई वड़ाई ख़त्म करना चाहता है और अगर चाहता है कि मैं उसको बख्श दूँ या फिर ऐसा कुछ भी, मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा अटैक ना करूं तो मुझे एक बार मेरे बंगले पर आके मिल लेगा जो कि दूसरा वाला है। तो यार फिलहाल देखो दोस्तों मुझे ना डगन बॉस से भाई मिलने जाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों देखो अभी आपने देख लिया कि इतना कुछ दोस्तों हो गया है, और अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं वहां पर ना गया ना यार तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यार कितना खतरनाक सीन हो सकता है, समझ रहे हो तुम, बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। एंड गाइज यार वहाँ अंदर जाने से पहले मैंने अपना ब्लैक सूट ही पहन लिया था, क्योंकि दोस्तों ब्लैक सूट ना अंधेरे में दिखता नहीं है इसीलिए मैंने पहन लिया था। कभी आप सभी लोग सोचो कि आरिश भाई आप घर से तो दूसरा सूट पहन कर निकले तो आपने एकदम कैसे बदल लिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ब्लैक सूट में लुक अलग ही यार आता है, तभी मैं एकदम टनल के अंदर भी गया था, तो मैंने वहीं पर पहले अपना सूट चेंज कर लिया, एक एक्स्ट्रा सूट मैं अपनी गाड़ी में ही रखता हूँ ठीक है ना, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो गाइज फिलहाल यार अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि मुझे जो है डगन बॉस से भाई मिलने जाना चाहिए, वरना तो भाई वो कुछ ना कुछ यार करता ही रहेगा, और एक तरीके से वो ये भी सोचेगा कि माइकल द एलुमिनाटी जो इतना बड़ा मतलब यहाँ पर अपने आप को डॉन बनता है वो मुझसे डर गया और मुझसे मिलने तक भी नहीं आया ठीक है ना। तो गाइस अब फेस टू फेस एक बार बात कर लेनी चाहिए, मतलब वो चाहता क्या है। अब इसको तो मुझे दोस्तों यहीं पर छोड़कर जो है जाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको छोड़कर चलते हैं और हम दोस्तों निकल रहे हैं। गाइस यार अपने एक बहुत खतरनाक जो अपना बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों उसके ऊपर भी यार यहाँ पर अटैक हो ही गया, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिलहाल यार मैं यहाँ पर इस बारे में दोस्तों किसी को बताना भी नहीं चाहता यार, चाइनीज़ माफिया को या फिर किसी को मैं बताऊं, क्योंकि पहले उसने यहाँ पर किसी को भी आने से मना किया है दोस्तों, और मैंने यहाँ पर अमेंडा को कॉल करके बोल दिया। फिलहाल अमेंडा तो ये बोल रही है अभी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ घर पर ही, तो भाई अमेंडा भी ठीक है सब सही है, उसने मुझे लगता है ना एक तरीके से दोस्तों बस धमकी दी है ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलिए यार अब सीधा यार मैं उसके जो है यहाँ पर जो मेंशन है ना डगन बॉस का वहीं पर चलता हूँ, एक बार ना दोस्तों उससे यहाँ पर फेस टू फेस दोस्तों यहाँ पर बातचीत जाकर ना कर लेते हैं, देखते हैं यार वो यहाँ पर दोस्तों चाहता वाता क्या है। शिट यार अब यार बिग माफिया भी उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है, यार क्या ही कर सकता हूँ यार मैं। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं चलता हूँ भाई उसके मेंशन पर, आपको पता होगा दोस्तों उसका जो मेंशन वहाँ पर है ठीक है पहाड़ की दूसरी तरफ। यार अभी मुझे वहीं पर जाना होगा अपनी गाड़ी को लेकर, चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं। मैंने इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ अंडरवाटर माफिया को बताया, मुझे पता है मैंने चाइनीज़ माफिया को भी नहीं बताया, वो फालतू में टेंशन वेंशन में आ जाता, ना ही मैंने अमेंडा को बताया है, किसी को नहीं बताया मैंने इस बारे में। चलिए एंड गाइज मैं अकेला ही जा रहा हूँ, वरना अगर मैं अपनी सिक्योरिटी को साथ लेकर जा सकता हूँ, बट यार अगर मैं अपनी सिक्योरिटी को साथ लेकर गया ना वो ये सोचेगा कि जो माइकल द एलुमिनाटी है ना ये डर गया मुझसे और तभी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आया मुझसे बात करने के लिए भी, तो भाई मैं अपनी सिक्योरिटी को नहीं लेकर जाऊँगा, मैं खुद ही चलूँगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, चलिए दोस्तों राइट गाइस। तो यार फाइनली दोस्तों हम उसकी मतलब मेंशन पर पहुँचने वाले हैं भाई, यहाँ पर डगन बॉस के भाई थोड़ा सा मतलब ऐसी तो फीलिंग है ही यार। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, मैं भी
माइकल द इल्यूमिनाटी, डरने की क्या बात है यार। एक सेकंड, गाइस ये वही सिक्योरिटी है जिसने लिबर्टी सिटी के अंदर ना मेरे ऊपर दोस्तों अटैक किया था। ब्लू एक्स सिक्योरिटी भाई, इसकी तो रेड सिक्योरिटी थी ना भाई, इसके पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एंड इवन अब मुझे यही शक हो रहा है कि इसी बंदे ने मेरे शोरूम पर भी अटैक करवाया था यार, डगन बॉस ने। डरता मैं भी नहीं हूँ, मैं भी फुल चौड़ में जाऊंगा गाइस। और क्या हाल चाल गाइस, यहाँ पर भाई डगन बॉस आया है, पीछे बिग माफिया का भाई खड़ा है, बिग माफिया है दोस्तों, और एल रूबियो भी है यहाँ पर। तो फिलहाल डगन बॉस से दोस्तों चलिए यहाँ पर जो है मैं बातचीत कर लेता हूँ। हाँ आई नो दैट। तो गाइस फिलहाल डगन बॉस यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड ठीक है राइट गाइस, तो यार फिलहाल ठीक है। तो गाइस यहाँ पर डगन बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। डगन बॉस ने ये बोला, अभी जस्ट मैं यहाँ पर गया हुआ था एल रूबियो के पास, ठीक है ना, और जब वेट ये क्या हो रहा है, ये एल रूबियो क्या कर रहा है, मुझे बात करने दो ना, मैं सोच रहा हूँ, मौका तो दो ना। तो गाइस फिलहाल डगन बॉस यार यहाँ पर ये बोल रहा है कि मतलब मैंने जब तेरे ऊपर अभी यहाँ पर कोई अटैक वगैरह नहीं किया था, तो जो तू मोटर शो कर रहा होगा आई डोंट नो, मुझे तेरे किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, और तूने यहाँ पर आकर बेफालतू में मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर मारा। ओ भाई साहब, अरे मैंने कुछ नहीं किया था, समझ गया, मैंने कुछ नहीं किया था। ओ भाई, क्या ही खतरनाक सीन चल रहा है दोस्तों यार यहाँ पर। मेरी बात सुनो, हट तेरी ऐसी की तैसी डगन बॉस, क्या समझता है तू अपने आप को, हट तेरी भी ऐसी की तैसी, दोनों की ऐसी की तैसी। भाई अरे अच्छा, ठीक है गाइस, मैंने इनके रैपट वैपट मार दिए, क्योंकि भाई इन्होंने मेरे मारा था, मैंने इनके मारा। ओ तेरी, अबे भाई ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में आ चुका है एल रूबियो। अरे तो मैंने क्या किया है यार, ये मेरी गाड़ी वाड़ी को ब्लास्ट कर रहा है। मेरी बात सुन डगन बॉस। हाँ तो गाइज सीन कुछ ऐसा था, मतलब इसने बोला कि तूने मेरे घर पर आकर मेरी सिक्योरिटी को कैसे मारा, जो रेड प्लस सिक्योरिटी थी तूने उसको कैसे मारा। देख मेरी बात सुन, तेरी ऐसी की तैसी, मेरी बात सुन, सबसे पहले तो ना अपने हाथ ना कम च कि तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा। ओ भाई, अबे यार गाइस इन्होंने मुझे बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अगवा कर लिया है। भाई अरे मेरी बात तो सुन एल रूबियो, मुझे मार के क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे मार के क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। और रही बात वही जो मतलब जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हारे घर पर ये क्यों करवाया, भाई मेरा हाथ नहीं था उसके अंदर, मैं सीधा बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं यहाँ पर तुम्हें किया था, कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं किया, ठीक है ना, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भाई मेरे हाथ दोस्तों यहाँ पर हैं, वो एल रूबियो यार मुझे पकड़ कर ले जा रहा है दोस्तों अपने साथ। एंड यहाँ पर भाई ये बिग माफिया के पास ले आया, बिग माफिया को मेरे ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, और ये भाई इसने बिग माफिया को भी पेल दिया भाई डगन बॉस ने। और राइट, और इसने बिग माफिया के भाई को भी मारेगा क्या शायद से, नहीं बिग माफिया के भाई को कुछ नहीं कहा, बिग माफिया को इसलिए इसने मारा है क्योंकि दोस्तों मेरे साथ गाड़ी की डील करने गया था। और राइट भाई ये मुझे घर के अंदर लेकर जा रहे हैं अपने, आई डोंट नो ये मुझे अपने घर के अंदर दोस्तों कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो तुम। अरे नहीं मैं नहीं भाग रहा हूँ तेरी ऐसी की तैसी, मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं समझ गया क्या तू, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा,
मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एल रूबियो। शिट शिट गाइस, ये दोनों के दोनों भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। मेरी बात सुन डगन बॉस, क्या कहते हैं, जो तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर चोरी हुई थी ना, गोल्ड वाली, बिग माफिया वो यहाँ पर खरीदने की सोच रहा था, उत्तरी गाइज यहाँ पर एल रूबियो बोल रहा है कि तूने भी यहाँ पर मेरे, मतलब मेरा भी सोना तूने यहाँ पर चोरी करवाया है, मुझे सब पता है। वो जो पीटर का सोना था ना दोस्तों, जो हमने वहाँ से चोरी किया था, वो भी यहाँ पर एल रूबियो का गोल्ड था दोस्तों। और ये भी इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर गुस्सा कर रहा है एल रूबियो के ऊपर, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई। यार गाइज उत्तरी शुट 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 भाई, डगन बॉस को सबके ऊपर गुस्सा आ रहा है भाई। डगन बॉस ने भाई सबको यहाँ पर पेल रखा है सबको। एल रूबियो तो भाई बाहर जा रहा है। गाइज मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो यार। डगन बॉस दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाइज यार मुझे पकड़कर पता नहीं यार दोस्तों कहाँ पर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। ओ माई गॉड यार, शिट 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 शिट। ऑलराइट दोस्तों यार पता नहीं मुझे ये कहां अंदर लेकर आ गए। ओ भाई साहब यार ये क्या है गाइस, ये पैसा वैसा है क्या इनका यहाँ पे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। निकलो, मैं यहां से भागने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ शिट 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 शिट, यहां पर भागता हूँ। ओ भाई, ओ भाई, अरे नहीं जा रहा हूं ना मैं, नहीं गाइस। डगन बॉस ने भाई एक अलग ही, मतलब शुट 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 बॉम्ब वगैरह शुट यार, मतलब अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है गाइस जी, मुझे यहाँ पर बैठने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। आई एम सिटिंग गाइज यार, मुझे बैठने के लिए दोनों के दोनों लोग यार यहाँ पर जो है बोल रहे हैं। अरे तू कुछ भी कर ले, कितना मार लेगा तू, कितना मार लेगा, चूहों की तरह तुमने ऐसा किया है ना। तो दोस्तों यार फाइनली मुझे पता था डगन बॉस की रख का ये क्या ही ये कर सकता है, एल रूबियो भी और दोस्तों ये भी, इन लोगों ने यार मुझे यहाँ पर जो है अगवाई कर लिया एक तरीके से। और गाइज बहुत ज़्यादा मारा है, ठीक है ना। बट शुक्र है एक चीज़ का दोस्तों, यहाँ पर मेरा एलुमिनाटी जो दोस्तों यहाँ पर मानने की बात, ये जो लॉकेट है ना दोस्तों, ये मेरी बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो दोस्तों ये इसको नहीं उतार सकते हैं, और ना ही मेरे हाथ में जो मेरा रोबोटिक हाथ बना हुआ है दोस्तों उसको। बट यार ये अपने आप को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दोस्तों, ये डगन बॉस दोस्तों यहाँ पर जो है बन रहा है। और एल रूबियो दोस्तों पता नहीं यार कहाँ पर ये चला गया। एंड गाइस ये मुझे यहीं पर बंद करके छोड़ कर जाने वाले हैं भाई साहब। वो मेरे हिसाब से इसके पास दोस्तों बहुत ख़तरनाक मिनी गन है। तू कुछ भी कर ले, मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तूने क्या सोचा कि मतलब तू मुझे गन दिखाएगा और मैं तुझे सर जी मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी की तरह से भीख मांगूंगा? तो ये ख्याल ना तू यहाँ से अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि मैं हूँ माइकल द एलुमिनाटी, समझ गया ना। चाहे थप्पड़ मार, चाहे कुछ भी मार ले, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जा सकता है तू, जा, तूने किडनैप कर लिया ना मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चीज का बदला मैं खुद ले लूंगा, टेंशन ना ले तो बिल्कुल भी यहां से। गाइस इन्होंने मुझे बहुत खतरनाक वे में जो है टॉर्चर किया है। मार ले थप्पड़, मार ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार ले भी तो दोस्तों इसका टाइम चल रहा है यहां पर दोस्तों डगन बॉस का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ भाई साहब, भाई इस टाइम अपना दोस्तों यहां पर टाइम खराब है, इसलिए गाइस ये भी हमें जो है मार रहा है। मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि दोस्तों इसकी फिलहाल सिक्योरिटी यहां पर है आसपास। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। हाँ हाँ कर ले, क्या करेगा, कोई बात नहीं, कर ले भी क्या करेगा तू बेटा। पर ना जब तू मेरे हद तक चढ़ेगा ना डगन बॉस, मैं तेरी ऐसी खाल उतारूंगा, तेरी ऐसी खाल उतारूंगा ना, सारी दुनिया याद रखेगी कि मैंने माइकल द इल्यूमिनाटी ने डगन बॉस के साथ क्या किया था। तेरी औकात याद दिला दूंगा मैं तुझे, कोई बात नहीं। चूहे तूने मुझे किडनैप कर लिया ना, तेरी औकात तो मैं याद दिलाऊंगा। तू क्या बोल रहा है कि तूने मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया। गाइस यहाँ पर चिल्ला रहा है कि मैंने तुझे किडनैप किया, तू क्या कर लेगा, मैं देखना मैं तेरे साथ यहाँ पर क्या करता हूँ। तू टेंशन ना ले बिल्कुल भी, तेरा वक्त आने वाला है, तेरी मौत बहुत ज्यादा नजदीक है डगन, तेरी मौत बहुत ज्यादा नजदीक है, टेंशन ना ले तू बिल्कुल भी।
तूने क्या समझ लिया कि तू मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे ही छोड़ देगा? देखना तेरे साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। मैं भी तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उत्तरी कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरा यहाँ पर टाइम है, तेरा भी टाइम है, अभी तो मार ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, एक बार ये चला जाए यार। अरे गर्दन पे क्यों वार करता है जालिम? मारे सीने पर चीर कर दिखाना, इतना क्या बन के दिखा रहा है? जा चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल, तेरी ऐसी की तैसी। गाइस इसने मेरी गर्दन पे बहुत जोर से मारा है दोस्तों, एंड गाइस कितना कॉन्फिडेंस है, देख रहे हो भाई, दरवाजा भी यहाँ पर खुला छोड़ के चला गया। अरे मेरे से भी दोस्तों उठा नहीं जा रहा है। चलो यार, खैर मैं उठ तो गया दोस्तों, बट फिलहाल सबसे पहले ना अभी मुझे दोस्तों अपने यहाँ पर मुंह वगैरह धोना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है दोस्तों, मार मार के लिटरली बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है भाई। जब से सीरीज स्टार्ट हुई है ना, मैंने ऐसा सोचा था यार मेरी भी कभी ऐसी हालत यहाँ पर हो सकती है, बट इन लोगों ने दोस्तों यार बहुत ज़्यादा मारा है मुझे, लिटरली बहुत ज़्यादा। अब यार गाइस मुझे यहाँ से निकलना कैसे, मैंने ना ही डेविड को बताई ये बात, ना ही चाइनीज़ माफिया को, इस बारे में किसी को नहीं पता है कि मैं डगन बॉस से मिलने के लिए जा रहा था। अगर मैं काश यहीं पर पड़ा रहा ना, तो यार मुझे यहीं पर मार देंगे। अब पता नहीं यार दोस्तों क्या होगा, मैं कैसे बाहर निकलूंगा, क्या होगा क्या नहीं, वो तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आई होप कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, और चलिए आज ही आपके कल वाले वीडियो में जो कमेंट्स वगैरह थे उनको दोस्तों यहाँ पर जो है रीड वगैरह कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आपके कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, चलिए अब इनको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे कर्मा भाई के हैं यहाँ पर, PLN50 दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बेसिकली सेंड किए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू भाई दिल से, ठीक है। बेस्ट एपिसोड भाई, लव फ्रॉम ग्वालियर, थैंक यू मेरे भाई, माय फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल टाइम। कौन कौन आरिश भाई को दिल से सपोर्ट करता है भाई? सभी करते हैं यार, इवन आरिश भाई, एपिसोड्स इज आर वेरी नाइस आरिश भाई, बेस्ट एपिसोड मेरे भाई, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच, लव यू आरिश भाई, यू आर द बेस्ट गेमर इन GTA कम्युनिटी, थैंक यू सो मच भाई, बेस्ट एपिसोड, नाइस एपिसोड आरिश भाई, लिबर्टी सिटी शोरूम इज अमेजिंग, नाइस वीडियो भाई, लव फ्रॉम नेपाल, दिल जीत लिया, लव यू आरिश भाई, दिल से सपोर्ट करता हूँ भाई, थैंक यू, लव फ्रॉम मध्य प्रदेश, लव फ्रॉम तरीपुर, कौन कौन आरिश भाई को दिल से सपोर्ट करें? माइकल हगवा बाइक शोरूम भाई, नाइस एपिसोड आरिश भाई, नेक्स्ट लेवल था, मज़ा आ गया, डांस ओपी, थैंक यू सो मच, एलसी लोंडा दिल से सपोर्ट करते हैं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द विजिट, थैंक्स फॉर न्यू वीडियो, बिग फैन, थैंक यू, ऑल एपिसोड आर वेरी ओपी, लव फ्रॉम शाहजहानपुर। भाई संडे को 2 घंटे का एपिसोड बनाया करो, ठीक है बना लेंगे, बट ईद के बाद बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। नाइस वीडियो भाई, आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, आप ऐसी वीडियो बनाते रहो, दिल से सपोर्ट है भाई, लव यू ब्रो, रमजान बोला लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, लव यू ब्रो, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस एपिसोड, लव यू सो मच भाई, योर्स ओल्ड वीडियोज आर गुड देन नाउ, अच्छा योर ओल्ड वीडियोज आर सो गुड देन नाउ, अच्छा भाई सही कह रहे हो भाई तुम, लव फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ऑल यूट्यूबर्स नो दैट द बेस्ट एंड रेगुलर GTA 5 इज कमिंग फ्रॉम आवर आरिश भाई, यू आर द बेस्ट आरिश भाई, हाँ भाई सही कह रहे हो आरिश भाई, लव फ्रॉम बांग्लादेश, बिगेस्ट फैन ब्रो, भाई ये जो इंडियन डॉन है ना, बिग माफिया का बेटा है, अच्छा, और मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा था, इंडियन डॉन के ऊपर, फ्रैंकलिन की इल्यूमिनाटी सीरीज ले आओ जल्दी से, आई एम वेटिंग, ठीक है, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच मेरे भाई, गुड गेम प्ले, थैंक यू, नाइस वीडियो भाई, माइकल का डांस मस्त था, थैंक यू, लव फ्रॉम पाकिस्तान, आई लव यू भाई, मिस्टर उज्जवल UK, थैंक यू सो मच मेरे भाई, कहाँ थे इतने दिन तक यार, आरिश भाई आप अपने साथ सिक्योरिटी लेकर घुमा करो, किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पे अटैक करने की, लव यू दिल से, लव यू टू मेरे भाई, बिग फैन ऑफ योर्स, लव फ्रॉम बांग्लादेश भाई, यू आर भाई, यू बाय अ लार्जेस्ट शिप इन GTA 5, ठीक है भाई, भाई लिबर्टी डॉन माइकल इल्यूमिनाटी डांस अच्छा है आरिश भाई, नाइस, फुल सपोर्ट, एंड ब्रो अपने साथ हमेशा सिक्योरिटी रखो, ठीक है भाई, इंडियन माफिया आरिश भाई इल्यूमिनाटी, ठीक है आरिश भाई, यू आर माय फेवरेट ब्रदर एंड बेस्ट यूट्यूबर, आई लव यू, लव यू टू मेरे भाई, बिग फैन ब्रो,
माइकल छोटा भाई है, आपके वीडियोस देखता है, लव यू, मेरा छोटा भाई आपके वीडियोस देखता है, ठीक है भाई, समझ गया मैं। आयुष भाई यू आर द अनदर बेस्ट गेमर ऑफ इंडिया, थैंक यू। नाइस शोरूम आरिश भाई, न्यू रोल्स रॉयस शोरूम 3.0 सिक्योरिटी लगाओ आरिश भाई, लिबर्टी सिटी शोरूम, बिग फैन आरिश भाई, पिन कर दो आरिश भाई। भाई आज मैंने कर्मा भाई का पिन किया हुआ है, कल वाली वीडियो में आपके कर देंगे। आरिश भाई लिबर्टी सिटी में रोल्स रॉयस शोरूम बना लो, नहीं वो लॉस एंटोस में ही खोलेंगे। आपने लेफ्ट साइड में नोटिस किया, अपने लेफ्ट साइड में आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं बट देखूँ आप, चलो वीडियो को। नाइस वीडियो आरिश भाई, गुड लक भाई, आई लव यू आरिश भाई, ओपी वीडियो, नाइस ब्रो प्लेइंग, यू आर द बेस्ट आरिश भाई, मज़ा आ गया, नाइस वीडियो भाई, डांस, आई लव यू ब्रो, आई लव आरिश भाई, बेस्ट यूट्यूबर, आई सब्सक्राइब यू, थैंक यू भाई, लव यू भाई। गोस्ट वाली विंटेज कार अपने लिए रखो प्लीज़, गोस्ट वाली विंटेज कार बहुत ज़्यादा सही लग रही है ना दोस्तों। न्यू शोरूम पर इल्यूमिनेट 2.0 लगा दो, अटैक हो सकता है, नाइस वीडियो भाई। मैंने 3.0 सिक्योरिटी लगाई है वहाँ पर, एक ही टेक्निकल पॉइंट, यू आर द बेस्ट गेमर्स इन GTA, मैं आपकी रोज़ वीडियो रोज़ देखता हूँ, आर की गेमिंग थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम पाकिस्तान आरिश भाई, मैं आपकी वीडियोज़ को रोज़ देखता हूँ, थैंक यू आरिश भाई। इतनी सिक्योरिटी का क्या करोगे, जल्दी ही गैंग से पंगा लो। हाँ भाई आरिश भाई, आई लव यू, दिल से सपोर्ट। हाय सर जी आरिश भाई, आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, लव यू मेरे भाई, लव फ्रॉम पंजाब आरिश भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच भाई, माशाल्लाह बेस्ट सीरीज ऑफ GTA 5, थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू ब्रदर, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हो, थैंक यू सो मच। इल्यूमिनाटी आर्मी ओपी आरिश भाई, नाइस वीडियो भाई, नाइस वीडियो, आई लव यू भैया, शॉर्ट आउट दे दो भाई, लव यू भाई, लव यू टू भाई। आयुष ब्रो फ्रैंकली इल्यूमिनाटी सीरीज़ कब से होगी शुरू, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी भाई। आप लिबर्टी सिटी में शोरूम ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रखो अपने साथ भी, ठीक है मेरे भाई। जिमी के साथ एपिसोड कब बनाओ भाई, बहुत जल्दी। बाइंड एंड डॉन को अपने साथ रखो, वो बहुत खतरनाक है, लव यू ब्रो, ठीक है भाई, रख लेंगे उसको भी। ईस्ट और वेस्ट एक ही टेक्निकल पॉइंट वीडियो इज़ बेस्ट, टेल मी योर नेम इज़ कर्नाटका, लॉर्ड गेमिंग ब्रदर, लॉर्ड गेमर्स, नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू ब्रो फॉर इंडियन डॉन को लाने के लिए, थैंक यू सो मच आरिश भाई। आरिश भाई मैं आपकी आर्मी लिबर्टी सिटी में भी रखनी चाहिए, नाइस, थैंक यू आरिश भाई। आप लिबर्टी सिटी में शोरूम और होटल्स परचेज कर लो, ठीक है भाई, लव यू भाई, लव यू आरिश भाई, थोड़ा वॉइस अच्छा लगता है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, आपकी जो इंतज़ार करूँगा भाई, आपका वीडियो का इंतज़ार करूँगा। ओपी वीडियो ब्रदर, हाय ब्रदर, कब करोगे, कर दोगे प्योर गोल्ड कार भाई, लंबोर्गिनी वाला शोरूम परचेज करो, ठीक है भाई। आरिश भाई सिक्योरिटी लिबर्टी सिटी में घर लिया है पर सिक्योरिटी क्यों नहीं रखा, प्लीज़ रखो भाई। लिबर्टी सिटी में मेरा घर नहीं है, वो इंडियन डॉन का यार भाई, मज़ा आया हमेशा से भी ज़्यादा आज के वीडियो में। एनिमेटेड बुगाटी लो और सोचना भाई, ठीक बहुत मस्त कार है, ठीक है भाई। वो पार्ट था जब ब्लू सिक्योरिटी और इल्यूमिनाटी 3.0 फाइट कर रहे थे, और भाई थैंक्स मेरे कमेंट्स लाइक करने के लिए, पढ़ने के लिए भी। भौकाल ये क्या है, भौकल, मुझे लगता है लिबर्टी डॉन और डगन बॉस मिले हुए हैं दोनों, उससे थोड़ा बच के रहना, उसके साथ रहने के समय सिक्योरिटी गार्ड रखा करो। इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए शुक्रिया, मैं ये दुआ करूँगा कि आप टेक्नोग्रेमर से भी ज़्यादा फेमस हो जाओ। थैंक यू सो मच वैभव मेरे भाई, आप जैसे भाई जब मेरे साथ है ना, तो तभी तो मुझे डेली मोटिवेट होता हूँ मैं कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है, मैं एक घंटे से कम की वीडियो नहीं बनाऊँगा, इन्हीं चीज़ों से मैं मोटिवेट होता हूँ। आरिश भाई आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी है, मैं आपकी सारी वीडियोज़ देखता हूँ। वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया है, फिर भी मैं दोस्त के हॉट सपोर्ट से आपकी वीडियो को देखता हूँ, फुल सपोर्ट। अरे भाई शारिक भाई, थैंक यू भाई, लव यू ऑल। आरिश भाई स्पेशल गन बनाओ ना साइंटिस्ट से, और आपके सब टीम को दो, ठीक है भाई। रमज़ान मुबारक आरिश भाई, रमज़ान भाई आप इंट्रो करने से पहले मैं लाइक कर देता हूँ, थैंक यू सो मच ब्रो। आप नेक्स्ट वीडियो में माइकल को हैंड में स्पेशल गन एंड रॉकेट लॉन्चर लगा दो, ठीक है भाई। आरिश भाई अपने साथ रिच मैन होटल है, आपके पास रिच मैन होटल है? हाँ भाई मेरे पास ही तो है, आपको पता होगा बहुत टाइम पहले मैंने बंदों को मार के किया था। थंबनेल थोड़ा क्लियर बनाया करो और सिंपल कार्स लाओ, थंबनेल थोड़ा क्लियर क्लीन। हाँ मेरे हिसाब से थंबनेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हुआ है, थोड़ा ना घिच पिच हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर उन्हें दिखता नहीं है, ठीक है। तो कुछ दोस्तों मुझे इस बारे में भी करना पड़ेगा,
भाई मुझे आपकी वीडियो देखना बहुत पसंद है मेरी जान, थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान, लव यू टू मेरी जान भाई, बेस्ट एपिसोड फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव यू, सुपर बाइक ले लो आरिश भाई, लव फ्रॉम कर्नाटक, यस भाई जोड़ लेंगे, GT5 इज किंग आरिश भाई, माइकल द इल्यूमिनाटी इंडियन माफिया आरिश भाई, सुपर कार बहुत अच्छी है वो, पैच से दुबई से भी दिल परचेज करो, ठीक है भाई मैं समझ गया, आरिश भाई बिग माफिया के भाई पर कज़ूम ना करना, ठीक है भाई यकीन नहीं करूँगा मैं उसके ऊपर, सर मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ इल्यूमिनाटी में, ठीक है भाई लिबर्टी सिटी में जो शोरूम लिया है ना उसका मालिक के पास बहुत सारा पैसा होगा वो ले लो, अरे पैसे की कमी नहीं है यार अपने पास, वो बुढ़ा था वैसे भी और उसने अटैक देखा कितनी जल्दी करवा दिया था, बट वो उसने नहीं अटैक करवाया था वो, और मुझे ऐसा लग रहा है वो वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते ना, आज ब्लू एक्स सिक्योरिटी थी और वो ब्लू एक्स सिक्योरिटी पता आज किसके पास थी, डगन बॉस के पास, और कभी भी ना मतलब ऐसा हीरो नहीं बनना चाहिए, आज हीरो बनने के चक्कर में ना मैं डगन बॉस के उसमें सीक्रेट जो भी वो है वहाँ पर अंडरग्राउंड में वहाँ पढ़ाऊँ, ठीक है आज तुमने देख लिया क्या करो उन्होंने मेरे साथ, नेक्स्ट एपिसोड में हेयर स्टाइल बदल दो, ठीक है भाई रात बेच के क्या हो गया, भाई रात भेज का क्या हो गया, भाई समझ में नहीं आया मुझे क्या बोल रहे हो आप, आरिश भाई मेरी एज 13 साल है, अरे मेरे भाई ज़्यादातर बच्चे ही देखते हैं मुझे, भाई विंटेज कार यू शुड टेक इट फ्रॉम योर सेल्फ, कोई बात नहीं वो तो मैं मंगवा लूँगा यार वहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाई बिगेस्ट शोरूम कर दो प्योर गोल्ड वाइट कास्ट, ठीक है मेरे भाई रख देंगे, आरिश भाई लिबर्टी सिटी में जो घर लिया है पर इल्यूमिनेटेड सिक्योरिटी क्यों नहीं रखा, प्लीज़ रखो, अरे भाई मैंने घर ही नहीं लिया लिबर्टी सिटी के अंदर, वो घर मेरा थोड़ी ना था, वो तो इंडियन इसका लिबर्टी डॉन का था यार वो होटल जो भी था, मैंने घर नहीं लिया मेरे भाई, आरिश भाई बिग माफिया के भाई को किडनैप कर लो, किडनैप तो तब करता ना वो मिला हुआ था डगन बॉस से, इंडियन डॉलर बिग माफिया के भाई को अपने घर ले जाओ भाई प्लीज़ प्लीज़, ठीक है भाई आयुष भाई इंडियन डॉन का फादर बिग माफिया का भाई है, अच्छा जी इंडियन डॉन का फादर बिग माफिया का भाई है, भाई ये शोरूम मेरे पे रख लो प्लीज़ बिग फैन ब्रदर, ठीक है भाई कीप विद यू इल्यूमिनेटेड 3.0, ठीक है भाई, भाई उस बंदे का मेंशन है ना लिबर्टी सिटी में सबसे बड़ा घर है वो आप रख लो, ठीक है समझ गया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई, लव यू टू, हाँ आयुष भाई न्यू हॉस्पिटल ओपन करो बिग माफिया को मार डालो, न्यू हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल ओपन करने की सोच भी रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ जब मैं एक बहुत अच्छा यानी कि वो बन जाऊँगा ना यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब प्रेसिडेंट बन जाऊँगा तब करूँगा, आयुष भाई एक न्यू हॉस्पिटल ओपन करो, ठीक है भाई आयुष भाई आपको लिबर्टी सिटी में जिस बंदे को मारा था उसके घर को लेना चाहिए, अरे नहीं भाई नहीं वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, आयुष भाई आपके सब वीडियोस पर कमेंट करता हूँ प्लीज़ पिन माय कमेंट भाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा, मयूर भाई आ चुके हैं भाई नेक्स्ट लेवल वीडियो भाई प्लीज़ टोयोटा वेलफेयर परचेज करो भाई मुझे रोज़ इल्यूमिनेटी गैंग में शामिल होना है, मुझे भी वीडियो अच्छा है आरिश भाई, भाई डेली डेली कमेंट करो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाओगे, हाय भाई आरिश भाई इंट्रोवर्टर माफिया को कपड़े क्यों नहीं पहनता, भाई वो बॉडी दिखाता है बॉडी इसीलिए थोड़ी ना बनाई है, भाई योर फाइट वीडियो थैंक यू सो मच, हाँ भाई मोटो व्लॉगिंग भी शुरू कर दो, यस ब्रदर ज़रूर करेंगे भाई, टाटा नेक्सॉन ले लो, ठीक है भाई भाई डगन बॉस के घर में फ्रिज के अंदर सीक्रेट बेस है, हाँ देख लिया आज मैंने वो कहाँ है फ्रिज के अंदर ही मुझे लेकर गया है वो, देखा तुमने, जय श्री राम पिन माई कमेंट भाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे मेरे भाई, अल्लाह आपको अल्लाह आपको सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए आमीन, आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इल्यूमिनेटी 2.0 प्लीज़ आपको वीडियो में कमेंट करता हूँ 3.0 अच्छा नहीं है, ठीक है भाई तौफीक नहीं भाई तौफीक अल्लाह भाई मैंने भी कहा था फैसल राशिद भाई राशिद मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था सॉरी आमीन, अरे मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं यार बहुत प्यारे मेरे भाई हैं सब के सब, चलो पैलेटो की साइड से मिल के पास एक टनल है उस टनल में एक दरवाज़ा है उसमें बिग माफिया का बेस है, आज गया था मैं वहाँ पर भाई, इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल और गन
भी लगा है। हाँ भाई वो बात आपने बिल्कुल सही कही आयुष भाई, कि 2 मिलियन जल्दी करो। ठीक है भाई आयुष भाई, जर्मन शेफर्ड डॉग लो भाई। मैं बहुत दिनों से घर पर भी नहीं गया था, आज मैं घर पर भी जाने की सोच रहा था। एक मेरा घोड़ा आया हुआ है, मैं घोड़ा भी लाने की सोच रहा था, बट मत मारी गई थी मेरी। मैं उसमें गया वहाँ से, बिग माफिया छूट गया, फिर डगन वॉस ने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया। पता नहीं यार मैं कैसे निकलूँगा, कैसे नहीं निकलूँगा भाई। जो पिक करने आया था बिग माफिया का भाई था, समझ गया मैं आरिश भाई। एक बात मैं एडिशनल बार कर ले रहा, ठीक है भाई। आरिश भाई कौन कौन दिल से सपोर्ट करता है? अली भाई लव यू मेरे भाई, लव यू ठीक है भाई। प्लीज़ अपने एक शोरूम इंडियन कार्स का भी रखो, मेरी बात मानो अपनी। कभी भी नहीं मेरा कमेंट बाद, ओके प्लीज़ भाई। मैं ज़रूर इंडियन कार्स का भी शोरूम, जो रेड लाइन शोरूम है ना, मैं वहाँ पर इंडियन कार्स ही रखने वाला हूँ मेरे भाई। आयुष भाई एक प्राइवेट जेट खरीद लो, ठीक है मेरे भाई खरीद लेंगे। टाटा हैरियर परचेज करो भाई प्लीज़ अपने साथ सिक्योरिटी। भाई आप रोज़ मेहनत करते हो पर कोई लाइक नहीं करता है, बहुत दुख लगता है भाई। मिस्टर उज्ज्वल मेरे भाई सही कह रहे हो यार तुम, बस क्या करें यार, इस ज़िंदगी का नाम चलते रहना है, मेहनत करते रहना है, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी भाई। एक सबमरीन भी ख़रीद लो, आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते, थैंक यू मेरे भाई। हाय 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 आज भाई मेरा नाम मेरा नाम बोल दो करो भाई, बिग फैन। मेरा नाम हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा है। हेलो हुज़ैफ़ा मेरे भाई कैसे हो भाई? आपने वहाँ 6 सिर्फ 5 गाड़ियाँ ही ले आए, वहाँ लैम्बोर्गिनी ड्रैगन एडिशन कहाँ गई? अरे नहीं लैम्बोर्गिनी ड्रैगन एडिशन भी तो थी यार भाई। अपने एलएस मोटर्स का सेकंड फ्लोर दिखाना, मैं रोज कमेंट करता हूँ भाई, उसमें सेकंड फ्लोर नहीं है। है भाई जी डिफेंडर ले लो भाई, डिफेंडर मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। अरे भाई रिफ्लेक्टेड ट्विच मेरे भाई, मेरे पास पहले ही है ग्रोटी शोरूम इनके है इंडियन डॉन का या फिर उनका भाई का है। मेरे को अच्छे से मालूम है किशोर मिलो का ग्रोटी शोरूम है। अच्छा असफाक नूरी, मैं समझ रहा हूँ सब लोगों को सब कुछ भाई। प्लीज़ मेरा कमेंट पिन कर दो, था कल वाली वीडियो में करूँगा प्लीज़। और भाई मेरा नाम लो अर्नव भाई, कल वाली वीडियो में पक्का कर दूँगा, क्योंकि आज एक बंदे ने दोस्तों जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने सुपर चैट किए, तो उनका कमेंट सबसे ऊपर रहना चाहिए ना, जो हमारे सपोर्टर्स हैं। आयुष भाई एक बुलेट प्रूफ बुगाटी सेंट्रल डीसी ले लो। आयुष भाई प्लीज़ बुगाटी लो। आयुष भाई वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। आयुष भाई कल आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है, ऐसे ही करते हो। असफाक नूरी मेरे भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ मेरे भाई, बहुत कमेंट्स होते हैं मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, थोड़ा समझा करो। आयुष भाई आपका वीडियो देखता हूँ, और भैया आप अपने स्टार्क मेंशन को बड़े करके खरीद लो। राजेश भैया ठीक है भाई, राजेश भाई मैं समझ गया भाई। BMW i8 को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए रख लो, लॉस सैंटोस से लेके आओ। अरे BMW i8 बहुत कॉमन गाड़ी है, मेरे पास एक मॉडिफाइड भी है यार। आयुष भाई कल वाली वीडियो में ही नरेश भाई आप स्कॉर्पियो N चलाना, ओके ठीक है भाई। भाई वीडियो भाई मास्टर भाई को श्याम कमेंट करो भाई, मेरा यहाँ ले लो ठीक है भाई। भाई बंदे को हर घर चेक किया करो, पैसे होगा। अरे पैसों का मैं क्या करूँगा यार, वो लिबर्टी सिटी के वैसे भी करेंसी इतनी हाई नहीं है। भाई आपने मेरा कमेंट किसी वीडियो में नहीं पढ़ा है, प्लीज़ प्लीज़ भाई मेरा भी कमेंट पढ़ो, दिल से सपोर्ट लव यू भाई। भाई बिग माफिया के भाई है ना लॉस सैंटोस वाले, आप सिक्योरिटी लगा के अपने घर में हमला कर सकते हैं, रिमोट सिक्योरिटी प्लीज रख। भाई मैं समझ गया भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, एंड लव यू मेरे भाई कमेंट करने के लिए। भाई 5.0 सिक्योरिटी नहीं आई, 7.0 सिक्योरिटी कैसे आएगी? हाँ तो अभी तक तो 3.0 ही आई है यार, 5.0 भी नहीं आई।
इंडियन डॉन भाई, नाइस 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 दोस्तों, सबके कमेंट्स यार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई होप कि यार आप सभी लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे। बट अब ये कमेंट करो कि मुझे उस लोकेशन से निकलना कैसे है, ठीक है, मुझे इस ढक्कन बॉस की लोकेशन से कैसे निकलना चाहिए और क्या करना चाहिए, प्लीज़ एक बार कमेंट करके जोर से बताओ। एंड आई होप कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।